देखिए सर्वप्रथम तो मैं चूंकि आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत इसलिए करता हूं चूंकि आप जो मीडिया का कार्य करते हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभों में कहे जाते हैं। और मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग सही और गलत को जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आपका स्वागत मेरे ऑफिस में। मैं जितेंद्र भदौरिया, इस समय प्रेजेंट में मैं शहर कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। और चूंकि जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने राजनीति में कदम कब रखा, मैं राजनीति में 2010 में आया था। और जब 2010 में मैंने राजनीति में कदम रखा स्टूडेंट लाइफ के बाद, तो चूंकि मैं बुंदेलखंडी हूँ और मेरा एक विजन रहा सर्वप्रथम कि बुंदेलखंड राज्य का जो है गठन होना चाहिए, पुनर्गठन, उसके लिए मैंने जो है तैयारी शुरू की। और इसी बीच मैं चूंकि हमारे बड़े भाई श्री अरविंद वशिष्ठ जी से मिला, मैंने उनके अंदर की जो आग देखी अपनी माटी के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ करने की, मैं उनके साथ जुड़ गया। और उनके आशीर्वाद से मैंने जो है बुंदेलखंड विकास सेना में जिला कमांडेंट की पदवी पकड़ी, जिसको जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ बोलते हैं। मैंने जब बुंदेलखंड विकास सेना में जिलाध्यक्ष मैंने कमान संभाली, उसके बाद मैंने तुरंत जो है बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ाइयाँ शुरू की, आंदोलन शुरू किए। उसी आंदोलन के तहत मैंने जो है झांसी महाबंद कराया था 15 फरवरी 2015 को। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो हमारे झांसी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में भाग लें और बुंदेलखंड राज के प्रति अपना समर्थन दें। और चूंकि आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि पूरी झांसी ने हमें सपोर्ट किया था। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक लोगों ने अपना समर्थन दिया, जब हम लोग खुद ही थक गए पैदल चल चल के। देखिए मेन था समर्थन हमको मिला, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा या करके तो दुकान बंद कराने नहीं था। तो इस प्रकार से मेरी जो राजनीतिक स्तर था बुंदेलखंड राज को लेकर आगे बढ़ता रहा। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि अब बात आती है राजनीति की, ये मेरा पर्सनल एक वो था राजनीति में, ये मेरा अपना पर्सनल मेरी मातृभूमि का मुद्दा है बुंदेलखंड, जो हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। नितिन जी, जो कोरोना काल चल रहा है इसमें क्या कहना है कि जो कोरोना काल के अंदर जो प्लान करके बुंदेलखंड के किसान वासी, मैंने पहले भी इस बात को कई बार रखा है मीडिया के उसमें कि कोरोना को लोगों ने, जो सरकार चल रही है इस समय भाजपा सरकार, जिन्होंने अवसर बना लिया है। कोरोना अगर है तो अभी तक मतलब आप कोरोना में आप देखते हैं कि कितने पलायन करके मजदूर आए, मजदूरों को क्या मिला, मार, पुलिस के डंडे। और वहीं आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाजपा के कितने ऐसे प्रोग्राम हुए, कितनी रैलियां हो गई जहां पे हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। पार्टी भी अगर हुई है, लोगों की बर्थडे पार्टी भी हुई अगर भाजपा नेताओं के यार, तो वहां कोरोना का कोई असर नहीं दिखाई दिया। वहां पुलिस को एक नज़र नहीं गई, क्यों नहीं गई? क्या कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए है? कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए है? आज बिहार चुनाव हुआ, उस वक्त 1 महीने में कोरोना गायब हो गया। गया कहाँ कोरोना भाई? जैसे ही बिहार चुनाव निकला फिर कोरोना ने दस्तक देना चालू की। तो देखिए जनता इस बात को समझ रही है कि कोरोना क्या है, ये तो पता ही नहीं किसी को, और सरकार को भी नहीं पता। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, मैं आपको बता दूं, हम आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी काट ना हो। हमारे एक से एक योद्धा हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। कोरोना की क्या मजाल कि हम उसकी काट ना ढूंढ पाते। लेकिन जब कोरोना नाम की चिड़िया अवसर के रूप में बैठाल दी गई तो उसकी काट कहां से मिलेगी? आज कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने गरीब जनता को छल लिया, कितना घोटाला नहीं हुआ, चाहे वो पीपी किट में हो, चाहे वेंटिलेटर में हो, दुनिया में सामने घोटाला देखने को मिले। मैं डॉक्टरों की बात नहीं करूंगा, इनफैक्ट जो सरकारी हमारे अस्पताल है उसमें कितने घोटाले नजर आए। चेतन जी, एक सबसे बड़ा सवाल, 2022 में कांग्रेस पार्टी कौन सा चेहरा झांसी विधानसभा में तैयार करने के लिए तैयार है? देखिए मैं सर्वप्रथम बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस बार हमारी माननीय जो हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी, वो कमान संभाल चुकी हैं। और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम कांग्रेसियों को इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है। तो प्रियंका जी की बागडोर जब हम लोग देख रहे हैं,
शुरू से आप भी देख रहे हैं कि हम लोगों के जो आंदोलन है वो इस प्रकार से गति पकड़ चुके हैं कि योगी बाबा की नींद उड़ चुकी है। आप देख रहे हैं अभी हम लोगों के किसान आंदोलन और गौ माताओं की रक्षा के लिए जो हम लोग ने संकल्प लिया, जो आपकी सौजना गौशाला में इतनी 25-30 गाय मर रही हैं रोज, इसके लिए जब हमारे जो है आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो है गाय बचाओ और किसान बचाओ पदयात्रा निकाली, तो क्या किया आके योगी सरकार की पुलिस ने? क्या करते हैं हम कांग्रेसियों को घर में नज़र बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़े आतंकवादी हों। तो ये जनता देख रही है, देखिए कि हम आज सच की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। आज महंगाई किसी को दिख नहीं रही है कि कब जो है धीमे से आपका पेट्रोल महंगा हो जाता है, कब 100 रुपये गैस में बढ़ा दिए जाते हैं, जनता को नहीं दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है तो वो जिस दिन वोट पड़ेगा वो उस दिन भाजपा को समझ में आएगा। अब मैं झांसी की बात करता हूँ। झांसी में चूंकि आपने कहा कि कौन सा चेहरा कांग्रेस पार्टी लाएगी, तो मैं झांसी ही नहीं, इस बार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व यही कोशिश कर रहा है कि इस बार हमारे जितने भी कैंडिडेट उतरेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो पहली वरीयता वाले उतरेंगे, ना कि तीसरे चौथे आने वाली वरीयता में। अब ये भाग्य निर्धारित करेगा और ये जनता निर्धारित करेगी कि उनको काम करने वाला चाहिए या जुमले फेंकने वाला। बहुत बहुत